Good morning, students. Class 9. Economics का एक chapter समाप्त हुआ जो मैंने आपको last class में बताया था उसके question आप करेंगे आपका common पूछ लिया है question section में and I was waiting for your questions. आज मैं geography का new chapter start करने जा रहा हूँ मैं drainage. ड्रेनेज क्या है? मोस्टली ग्रुप ऑफ रिवर्स को ड्रेनेज के नाम से कह सकते हैं आप. रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, इसी एरिया में जितनी भी नदियां बहती है उस सभी को मिलाकर ड्रेनेज कहा जाता है. नॉर्मली अगर आप मैप पर जाए इंडिया के मैप में तो आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी द स्मॉलर रिवर फ्लोइंग एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द बिगर रिवर. छोटी छोटी नदियां बह करके और बड़ी नदियों मिल जाती है. तो इस सभी सिस्टम को के वाले एरिया को जहां तक ये फ्लो करते हैं बनते हैं उस एरिया को ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है. और जिस रिवर्स के द्वारा जिस एरिया को कवर किया जाता है उसे ड्रेनेज बेसिक रूप में जानते हैं. एरिया ड्रेन्ड बाय द सिंगल रिवर सिस्टम. अगर गंगा रिवर सिस्टम जिस एरिया से फ्लो करती है ड्रेनिंग करती है उस एरिया को ड्रेनेज बेसिन कहेंगे और गंगा बेसिन के नाम से उसको जाना जाएगा. उस तरह गंडक का रिवर है तो गंडक रिवर जिस फ्लो करती है बहती है जहां से जहां तक तो उस एरिया को उसका गंडक बेसिन के नाम से जाना जाता है. तो हर रिवर बेसिन अलग अलग होता है और टुगेदर उसको ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं. मैप पे आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा. मैप आप देखें तीसरा है वाटर डिवाइड. दो रिवर के बीच में जो एलिवेटेड पार्ट होते हैं इसे देख लीजिए. ये एक स्ट्रीम है छोटी सी या बड़ी, फिर भी एक स्ट्रीम है छोटी या बड़ी. ये फ्लो है वाटर का और ये फ्लो इस दोनों के बीच का एक एलिवेटेड पार्ट ऊंचा पार्ट जो दोनों रिवर को बाइफरकेट करता है. फ्लोइंग एरिया उसका टच में नहीं आ पाता है उसे कहते हैं वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? वाटर डिवाइड के नाम से उसे जानते हैं. अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम हमारे देश में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो पार्ट में बांटा गया है द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. इस दोनों से मतलब यह है द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन एंड द सेकेंड है द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू जो मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था प्लेटू एंड द सेंट्रल हाईलैंड. तो इस दो भाग में बांटे गए हैं हमारे रिवर सिस्टम को.